तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल बहादुर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो आपको यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताई होंगी। गाइस, इस फोटो में मैंने हेयर भी स्टाइल किया है, फेस को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से स्मूथ किया है और मैंने पहली बार यूट्यूब मेरे चैनल पर इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल डाला है। तो गाइस, इस टाइप की आपको भी फोटो सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब आपको क्या करना है, अपनी गैलरी ओपन करनी है और गैलरी में जाके आपको अपनी नॉर्मल पिक ले लेनी है, जैसे कि मैं मेरी नॉर्मल फोटो ले लेता हूँ, और इसको इधर सेव वाले बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन में। तो मैं फोटो को सेव कर लेता हूँ स्नैपचैट एप्लीकेशन में। गाइस, फोटो स्नैपचैट एप्लीकेशन में आने के बाद टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्टिव पे जाना है, और आपको जहाँ अपने फेस पे ब्लैक ब्लैक होगा वहाँ इस तरह से इस प्लस वाले ऑप्शन को जहाँ ब्लैक ब्लैक होगा वहाँ इसको रख के छोड़ देना। कुछ इस टाइप से करके आपको दोनों अपनी उंगलियों से कुछ इस टाइप से घुमाना है, जो इससे क्या होगा, ये अपने आप ही ब्लैक ब्लैक को अटैच कर लेगा। ये होने के बाद गाइस, इसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, जैसे कि मैं अपने फोटो के हिसाब से बढ़ा लेता हूँ, जैसे मैं 65 रख देता हूँ। और गाइस, मेरी गर्दन में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ब्लैक है, तो मैं जहाँ ब्लैक ब्लैक होगा वहाँ रख के इसको छोड़ दूंगा, और गाइस इसका ब्राइटनेस को कुछ इस टाइप से बढ़ा दूंगा। ये सब होने के बाद गाइस, आपको इस ब्राइटनेस के नीचे एक ऑप्शन आएगा कंट्रास्ट, तो आपको कंट्रास्ट को थोड़ा स्क्रॉल करना है, जैसे मैं 107 रख लेता हूँ, और नीचे आएगा सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेना है, और गाइस ऊपर वाले को भी कुछ इस टाइप से, इसका भी सेटिंग कुछ इस टाइप से कर देना है, मैं भी इस प्रकार करके ऐसे अपने फेस को कुछ इस टाइप से कर लेना है। ये सब होने के बाद गाइस, आपको इधर राइट कर देना है, फिर आपको टून इमेज वाले ऑप्शन पे जाना है। टूल्स पे क्लिक करके टून इमेज वाले ऑप्शन पे जाके आपको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेना है, और सैचुरेशन को थोड़ा सा 21 या 21.9 ऐसे रख लेना है, और इमेज को आप अपने हिसाब से जैसे 1, 2, 3 रख लेना है, और आपको नीचे जाना है और इसको आपको रख लेना है, जैसे मैं रख लेता हूँ 10.5, ऐसे करके आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद आपको फोटो को सेव कर लेना है, तो मैं फोटो को सेव वाले बटन पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेता हूँ मैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो गाइस, मैं फोटो को सेव कर लेता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन। फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में सेव होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आएगा, उसका आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये लाइटरूम में ओपन हो जाएगा, लाइटरूम में अपनी फोटो को खोज लेना है, जैसे कि मैं मेरी ये फोटो है, मैं इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में खोज लिया हूँ। लाइटरूम एप्लीकेशन में इसको खोजने के बाद आपको क्या करना है, इस सबसे बाद आपको वापस बैग आना है। बैग आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और जैसे कि मेरी ये प्रीसेट है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके की प्रीसेट है, ये एक ही क्लिक में फोटो को अच्छा बना देती है। इसको कॉपी कर लेना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके राइट कर देना है, इसका क्या है कि सेटिंग हो जाएगा कॉपी। फिर आपको वापस बैग आना है और अपनी नॉर्मल फोटो को ओपन करना है। इसको ओपन करके आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इधर आपको नाम दिखेगा पेस्ट सेटिंग, तो इसको पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो गाइस, इसे क्या है कि फोटो देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप ही बन के आ चुकी है हमारे सामने। अब हम का इसको जहाँ अपने फेस पे ब्लैक ब्लैक आया होगा उसको एडजस्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसका ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है, फिर आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है, मिक्स वाले ऑप्शन पे जाना है, और रेड कलर को चूज करके इसकी दोनों लाइन को इनको 0-0 कर देना है। जो गाइस 0-0 कर लेता है, इससे क्या है गाइस, जो अपने फेस पे रेड रेड होगा वो हट जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं मेरे फेस पे रेड रेड था, वो सब कुछ हट गया है, और अब हमको कुछ नहीं करना है, इधर से डन कर देना है। ये सब होने के बाद गाइस क्या करना है, हमको इधर से वापस स्क्रॉल करना है और सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को जूम कर लेना है, तो मैं गाइस फोटो को जूम कर लेता हूँ, और प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है, पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाना है, और ऑटो पे कुछ इस टाइप से इसको चला देना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला होगा उसको इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेना है। ये सब होने के बाद लाइट पे क्लिक करना है और इसका लाइट को थोड़ा कम कर लेना है। तो गाइस मैं कुछ इस टाइप से कम करके इसको राइट कर देना है। ये राइट होने के बाद गाइस क्या करना है, अब आपको फोटो को सेव कर लेना है एडोडास ऐप में। गाइस हम फोटो को स्मूथ करेंगे, अच्छा बनाएंगे, गोरा बनाएंगे, तो गाइस इसको सेव कर लेना है एडोडास एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं गाइस एडोडास एप्लीकेशन के अंदर फोटो को सेव कर लिया हूँ। फोटो सेव होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको कौन सा पेंसिल यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको पेंसिल वाले ऑप्शन में जाना है, कुछ इस टाइप से पेंसिल खुल जाएगी,
गाइस यह नाम लिखा होगा स्मूथ। स्मूथ वाले ऑप्शन पे जाके आपको कुछ ये पेंसिल को ले लेना है, ये मेरा ये पेंसिल है इसको ले लेना है। तो गाइस मैं आपको डब्बा लिखा के दिखाता हूं, तो ये वाला पेंसिल इसको ले लेना है। इधर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। तो गाइस देख सकते हो मैं कुछ इस टाइप से सेटिंग कर रखा है इसको, फॉलो को भी वन रख रखा है और स्टेरिक लाइट को भी कम कर रखा है। कुछ इस टाइप से करके आपको अपनी फोटो पे जाके फोटो को काफी अच्छी तरीके से जूम करना है और फोटो को स्मूथ शुरू करते हैं। तो आपको इधर अपने ऊपर से इधर इधर से शुरू करनी है अपनी फोटो को स्मूथ। गाइस मैं फोटो को स्मूथ करके दिखा देता हूँ कि ये पेंसिल किस टाइप से यूज होती है। तो गाइस देख सकते हैं मैं इसको इस टाइप से यूज कर रहा हूँ। गाइस काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमारी फोटो काफी अच्छी तरीके से स्मूथ हो रही है। जहाँ भी ब्लैक ब्लैक होगा वो सब मिट जाएगा और काफी अच्छी तरीके से फोटो को स्मूथ कर लेते हैं। गाइस फोटो अच्छी तरीके से बन के दिखाने वाला हूँ। और गाइस आपको जब भी आप एडोडास एप्लीकेशन के अंदर फोटो को स्मूथ करते हो तो गाइस बहुत भाई लोग होते हैं जो सभी आंखों का मुंह का सबका एक बार में स्मूथ करते हैं ना, तो गाइस वो सब मिक्स हो जाता है और अपनी फोटो बिगड़ जाती है। फिर हम सोचते हैं ये सब फेक वीडियो है, ऐसे करके वीडियो को हटा देते। गाइस जो अपनी आंख होती है तो आप वहाँ आपको कैसे स्मूथ करना है इसको छोटा कर लेते हैं। पहले तो ऐसे करके इसको छोटा कर लेंगे। इसको छोटा करने के लिए आपको ऐसे छोटा करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जैसे कि ये लाइन है इसको इसको जितना छोटा करोगे उतना ही छोटा वो हो जाएगी। तो गाइस इसको ऐसे छोटा करके आपको अपनी आंख के ऊपर कुछ इस टाइप से चला लेना है। आंखों के ऊपर इसको स्मूथ कर लेना है। आपकी आंखों के ऊपर जो जगह होगी उसको इस तरीके से स्मूथ कर लेना है और आंखों में नहीं चलाना है इसको, ओनली आंखों के ऊपर और आंखों के इस टाइप से नीचे। तो गाइस ये आंखों के ऊपर नीचे इस टाइप से चला लेना है और इस आंख पे मैं चला लेता हूँ। ये ऊपर चला लिया मैंने और ये कुछ इस टाइप से नीचे चला लेना है। ये आंखों का हो गया। अब आपको होठों पे क्या करना है, तो गाइस आपके मूछे होंगे तो मूछों को स्मूथ नहीं करना है। जैसे मैं मेरे मूछे हैं नहीं है तो मैं मूछों को मिक्स कर लेता हूँ, मेरे मूछे नहीं है तो हटा देता हूँ मैं। तो गाइस मैं देखो हटा चुका हूँ और आपको मूछे होगी तो आपको मूछों को रख लेना है, मूछों के ऊपर में आपको स्मूथ कर लेना है। गाइस देख सकते हो कि मैं हटा चुका हूँ, ये हटा दिया मैंने, देख सकते हो ये मैंने हटा दिया है मूछों को। अब आपको नाक को कैसे स्मूथ करना है, नाक को स्मूथ करने के लिए इससे फोटो को जूम करना है। जहाँ अपने नाक के सांस लेने की उसके ऊपर किस टाइप से चला लेना है। वैसे क्या है गाइस इसको आपको ऐसे मिक्स नहीं करना, ये मिक्स होने के बाद गाइस पूरी एडिटिंग ही बिगड़ जाती है। तो गाइस आपको इसको ऊपर चला लेना है जैसे मैं चला रहा हूँ इस टाइप से, इसको ऊपर चला के फिर आपको इसे सीधे करके फोटो को और आपको ऐसे ऊपर की तरह इसको स्मूथ कर लेना है। इससे क्या गाइस काफी अच्छी तरीके से फोटो स्मूथ होगी। ये सब होने के बाद आपको कान को क्या करना है, कान पे इसको कुछ इस टाइप से चला लेना है और गाइस ऐसे थोड़ा थोड़ा चला के ऐसे कान को छोड़ देना है। ये सब होने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको तो आप स्मूथ कर ही लेंगे। तो गाइस मैं स्मूथ करके थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैं फोटो को स्मूथ करके रेडी कर चुका हूँ। ये फोटो काफी अच्छी तरीके से स्मूथ हो गई है। गाइस फेस देख सकते हो कि फेस काफी ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब गाइस आपको क्या करना है, अपनी लिप्स पे कलर करते हैं। बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं कि अपनी लिप्स पे कलर कैसे करें। लिप्स पे कलर करने के लिए आपको फोटो को इस टाइप से जूम कर लेना है और आपके अपनी लिप्स को भी थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर लेना है। गाइस मैं कर लेता हूँ इस टाइप से, आपको अपनी लिप्स को भी स्मूथ कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर लेना है, ज्यादा नहीं करना है, इसे थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर लेना है आपको। फिर आपको आपको क्या करना है, मैं आपको एक पेंसिल दिखा देता हूँ। आपको डॉट वाले ऑप्शन पे जाके आपको कौन सा पेंसिल लेना है वो कौन सा यूज करना है मैं आपको दिखा दूँ। गाइस आपको इधर नाम दिखा दे रहा होगा ट्रेडिंग नल पे जाना है और इस दो नंबर के ऊपर आपको एक पेंसिल दिखाई दे रहा है, ये डब्बा वाला जिसे मैं डब्बा लगा के दिखाता हूँ। जो गाइस ये डब्बा वाला पेंसिल लेना है, सेटिंग में जाना है, इस टाइप से सेटिंग कर लेना है। ये सब होने के बाद आपको गाइस क्या करना है, इधर इस पे जाना है और प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको इधर ब्राइटनेस पे जाके आपको सॉल्व लाइट कर देना है। और गाइस आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है, रेड कलर को चूज कर लेना है, जैसे मैं रेड कलर को चूज कर लेता हूँ और आपको अपनी फोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से इसको चला लेना है। देख सकते हो गाइस मेरे फोटो पर काफी अच्छी तरीके से कलर हो रहा है, काफी बिल्कुल आसान तरीका है गाइस लिप्स पे कलर करने का।
गाइस लिप्स पे कलर होगा तो अच्छी तरीके से हमारी फोटो दिखेगी। तो गाइस मैं लिप्स पे थोड़ा इधर रह गया, गाइस देख सकते हो मैंने कर लिया। और इसको आपको इसकी लाइट को आप कम भी कर सकते हो, फिर सिटी को भी कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, फुल कर सकते हो, जैसे मैं अपने हिसाब से अगला इससे करके गाइस आपको इतना छोड़ देना है। तो गाइस फोटो बन के रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।